तो ये देखिए जी फाइनली सालन हमारा रेडी हो चुका है माशाल्लाह से। ये देखिए अब इसको कर देते हैं इधर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, तमाम देखने वाले बहन भाइयों का अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक जी, खैर वापस से होंगे अल्लाह के फजल और करम से। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है तो कूलर हमने लगाया हुआ है और कूलर भी पानी जो है ना ऐसे ही फेंके जा रहा है। ये देखिए इसी की वजह से जो है ना थोड़ी बचत है। ये देखिए ठंडा पानी हुआ पड़े जी लोग ना। अच्छा जी खैर कोई बात नहीं। तो आज जो है हम बनाने लगे थे खाने में आलू और मटन का सालन। मटन अच्छी तरह साफ़ करके धो के रखी है मैंने, आलू भी, सब्ज़ मिर्च, टमाटर, लहसुन और प्याज सारा कुछ इकट्ठा कर लिया है क्योंकि मिक्सचर सब कुछ इकट्ठा ही डालना है। तो फिर जो है सब कुछ इकट्ठा डाल दिया और ये मसाले भी सारे निकाल के रख लिए हुए। ये देखिए नमक है, लाल मिर्च है। लाल मिर्च जो है ना वो दो किस्म की है और ये शान पर मसाला जो है कौरमा वो डालेंगे ताकि थोड़ा जायका बन जाए। गर्म मसाला एंड पे डालेंगे जब बुनाई करेंगे उतारेंगे क्योंकि तब जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो ये देखें जी धो के मैंने पानी जो है वो चढ़ा लिया हुआ है। अब इसमें जो है गोश्त ऐड करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए और साथ में ये सारे मसाले और ये सारा कुछ इकट्ठा जो है वो डाल देंगे। ये अभी नहीं डालेंगे, ये जब गोश्त गल जाएगा बुनाई करेंगे सालन की तब साथ डालकर अच्छी तरह जो है भून लेंगे। ठीक है अभी जो है इसे हम 10 मिनट के वेट पर लगा देते हैं अच्छी तरह बंद करके। इसका बड़ा फ़ायदा हो गया है जी, वरना दूसरी सादा हांडियों में पूरा घंटा लगता होता था गोश्त गिलाने में। इसमें रखो 10 मिनट चलाओ और चल साफ सफाया। ठीक है जला देते हैं। तो ये देखिए जी अपना काम हो गया है जी स्टार्ट। तो जी फाइनली हमारे 10 मिनट पूरे हो चुके हैं। अब इसे कर सकते हैं से गोश्त हमारा जो है वो गल चुका है। इसमें डालते हैं घी। इसमें जी डाल देते हैं आलू और हरी मिर्च। बाद में डालेंगे फिर ये साबुत धनिया और गरम मसाला, उसका पेस्ट बनाया हुआ। तो ये देखें जी फाइनली सालन हमारा रेडी हो चुका है माशाल्लाह से। ये देखें अब इसको कर देते हैं इधर। फिर बनाएंगे जी रोटी जल्दी से। ये मैं आपको फाइनल लुक सालन की दिखाती चलूँ। ये देखिए माशाल्लाह से हो गया जी हमारा सालन तैयार। अब जल्दी से बनाते हैं रोटी और फिर करती हैं सालन सर्व। ठीक है